मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम रामराज एंड वेलकम टू ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर चैनल। और इस चैनल में मैं आपको द फन दे हैड इस लेसन के बारे में बताना चाहता हूँ। तो मेरे छात्रों, मुझे विश्वास है कि आप इस वीडियो को प्रॉपरली देखेंगे और समझेंगे। तो क्यों ना इस वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। लिखा है द फन दे हैड, एक एंजॉयमेंट, एक फन, एक मजा, एक आनंद जो उनके पास था। ठीक है, इस वीडियो में यही बताया गया। कह रहा है द फन दे है, द फन दे है, ऐसा कह रहा है, एक मजा, एक आनंद, एक एंजॉयमेंट उनके पास था। ठीक है, अब क्या था वो एंजॉयमेंट, क्या था? तो उन एंजॉयमेंट के लिए हमें पूरा स्टोरी पढ़ना पड़ेगा। और मेरे प्यारे छात्रों, इस एक वीडियो में आपके इस लिटरेचर बुक का, इस मिस बिहाई, सॉरी इस बुक का नाम है बिहाई, बिहाई बुक का एक वीडियो में स्टोरी को सन किताब के सेंटेंस टू सेंटेंस पढ़ाकर बताना संभव नहीं है। ठीक, तो इस स्टोरी को या तो कार्टून के सहारे बताया जा सकता है या तो फिर किसी अनदर थर्ड पार्टी का हेल्प लेके बताया जा सकता है। तो मैं आपको इसका फिलहाल आज पैराग्राफ वन का, जो आपके बुक में नंबर वाइज पैराग्राफ को डील किया है, दिया है, तो नंबर वन और नंबर टू, ये दो पैराग्राफ को आज मैं आपके सामने डील करने वाला हूं। ठीक है, चलते हैं। स्टार्टिंग में पहला पैराग्राफ में लिखा हुआ है, मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। तो मैं पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको सेंटेंस का हिंदी डील करूंगा, मैं सेंटेंस का इंग्लिश डील नहीं करूंगा। ठीक है, इंग्लिश आपको पढ़ना है और उसको हिंदी में समझना है, तो मैं सेंटेंस को इंग्लिश में रीड नहीं करूंगा। देखते हैं, कहता है मार्गी ने उस रात इस विषय में एक डायरी लिखी थी। ठीक है, क्या डायरी लिखी थी देखते हैं। कहता है कि डायरी के पेज पर जो टाइटल था, जो शीर्षक था, क्या था, 17 मई 1857 उसने लिखा था। ये डायरी के पेज के ऊपर एक टाइटल था, उस टाइटल में लिखने के बाद अब उसके आगे जो लिखा था कि आज टीवी को एक वास्तविक किताब मिली, आज जो टॉमी था उस टॉमी को एक रियल किताब मिली। फिर से बताता हूं, मार्गी नाम की जो लड़की थी उसने अपने डायरी में कुछ बात लिखा। ठीक है, अपने डायरी में उस रात, एक मतलब एक रात को वो बैठ के डायरी में अपनी बात लिखी। उस डायरी में पेज पर 21 मई 1857 का डेट देते हुए उसमें उसने लिखना स्टार्ट किया, आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली, ये बात लिखना स्टार्ट किया। इस लाइन से शुरू की, ये लाइन है, यहां एक बहुत पुरानी किताब थी, मार्गी के दादाजी ने एक बार उसे बताया था। किसे बताया था? मार्गी को बताया था। क्या बताया था? कि जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके दादाजी ने कुछ कहानियां बताई थी, जो कहानियां किताबों पर छपी हुई रहती थी, कागज पर छपी हुई रहती थी, लेकिन उस छपी हुई को छापा जाता था, ऐसी बात दादाजी को, उनके दादाजी ने बताया था। कह रहा है उन्होंने पन्नों को पलटा जो पीले तथा कई तह में थे, कुछ पन्ने पीले तह में थे, पलटे उन पन्नों को पलटा गया तो पन्ना कुछ पीला तह में था। कहता है कि उन शब्दों को जो पढ़ना था, वो पढ़ना एक प्रकार का खेल था, वो पढ़ करके शब्द को इंसान थोड़ा अलग मूड में हो जाता था, वो शब्द काफी स्थिर रहते थे, उस पर सेंटेंस को पढ़ करके ऐसा लगता था कि हमारे आंखों के सामने वो चित्र घूमने लगा, हमारे आंखों के सामने वो चित्र घूमने लगा, दादाजी ऐसा बोल रहे हैं। फिर कह रहा है जब वो दादाजी उस किताब के पीछे वाले पन्ने को पढ़ते हैं तो उसपे जो शब्द लिखे होते थे, उस शब्द लिखा हुआ था उस शब्द को दादाजी पहली बार पढ़ रहे थे। ये पूरे के पूरे पैराग्राफ में, मतलब इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि मार्गी एक लड़की थी जो डायरी में एक बात लिख रही थी, वो बोल रही थी कि इस कहानी हम लोग का शुरू हुआ कब, जब एक टॉमी नाम का एक आदमी था, लड़का था, उसको एक किताब मिला था। ठीक है, तो टॉमी को जब किताब मिला था
उस किताब में लिखा हुआ था कुछ बातें, और उस बातें में लिखा हुआ था दादाजी की बात। दादाजी बता रहे थे कि जब वो छोटे बच्चे थे तब किताबों को पढ़ते थे और उसमें कुछ वाक्य जो है उन वाक्यों को छापा जाता था, और वाक्यों को छापने के बाद उन वाक्यों को पढ़ ऐसा लगता था कि वाक्य वो चल रहे हैं, वो वाक्य चल रहे हैं, वो सेंटेंस चल रहे हैं। जब दादाजी ने पिछले पन्नों को पढ़ा तो उसमें कुछ अजीब बात थी जो उनको पढ़ने में मुश्किल हो रही थी, लिखा हुआ कुछ डिफरेंट अलग। ठीक है, अब आगे चलते हैं पैराग्राफ नंबर टू। पैराग्राफ नंबर टू बता रहा है गी सैड टॉमी, टॉमी ने कहा आगे बढ़ो, वेन यू आर थ्रू विथ द बुक, कहता है व्हाट ए वेस्ट वेन यू आर थ्रू विथ द बुक, आगे बढ़ो कितनी अधिक बर्बादी है, मैं अनुमान लगाता हूं यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस, मतलब मैं अनुमान लगाता हूं कि आप इस किताब को पढ़ लेंगे तो आप इसे तुरंत फेंक देंगे, टॉमी ने ऐसा कहा। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, हमारे टेलीविजन के पर्दे पर पक्का 10 लाख किताबें मौजूद हैं और भी किताबें इसमें आ सकती है, लेकिन मैं इसे नहीं फेंकूंगा। सेम दिस माइंड सेड मार्गी, यही बात मेरे टीवी की भी है, मार्गी ने ऐसा कहा। सेम दिस विद माइंड, यही बात मेरे टीवी की भी है, ऐसा मार्गी ने कहा। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 30, कह रहा है उसका उम्र केवल 11 साल का था और उसने इतनी टेली पुस्तकें नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी। ही वॉज 30 क्योंकि वह 13 वर्ष का था, टॉमी जो लड़का था वह 13 वर्ष का था। शी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने कहा वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें यह पुस्तक कहां से मिली, तुम्हें यह पुस्तक कहां से मिली। इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, अपने घर में उसने बिना देखे इशारा किया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, अपने अटारी में, अटारी मतलब गैलरी में। व्हाट्स इट अबाउट स्कूल, उसने पूछा यह किस विषय पर है, विद्यालय पर, स्कूल पर है, ऐसा उसने। तो मेरे प्यारे छात्रों आपको पता चल गया होगा और समझ में आ गया होगा। ठीक है, तब तक अगले वीडियो देखने के लिए आप इस अगले पैराग्राफ को रीड कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए मेरे प्यारे छात्रों धन्यवाद।